इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर गाजियाबाद जिले में चल रहा है, गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में। और देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम चलेंगे, ग्रामीण लोगों से जानेंगे। हम जा रहे हैं आपको बता दें कि रहीसपुर गांव के अंदर। रहीसपुर यानी जाट बाहुल गांव माना जाता है, लेकिन वहां के लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या माहौल है, क्या बीजेपी फिर से लौटेगी या नहीं लौटेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। गांव के अंदर चल रहे हैं और गांव के अंदर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है। भैया चुनाव आ गए, क्या लग रहा है बार मोदी जीतेगा जी? आ जाएगा मोदी? यहाँ भुग्गी भैंसा वाला कह रहा मोदी जी जीत जाएंगे। हमारे जैन चौधरी और आ गए हैं इसमें, अब मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे, मोदी जीत जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, पक्का 400 पार। 400 पार पक्का? अच्छा 400 पार आ जाएगी। 400 पार यूपी में 75। रोकने वाला ना कोई, रोकने वाला यूपी में भैया कह रहे हैं 75। चलिए गांव के अंदर चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम के आखिरकार गांव के लोगों के मन में क्या है, मुद्दे क्या है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे कि हम गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र के रईसपुर इलाके में पहुंचे हैं, यानी रईसपुर गांव है। और अब तक आपने शहरी वोटरों का मूड जाना, उनके मुद्दे जाने कि आखिरकार गाजियाबाद की जनता क्या चाहती है, क्या फिर से मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी या फिर बदलाव चाहती है। लेकिन अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि भारत तो जो है वो तो गांव में बसता है, गांव के मुद्दे क्या हैं। तो रईसपुर गांव की बात करें तो ये जाट बाहुल्य गांव माना जाता है। और देखिए हम एक चौपाल है और चौपाल में देखिए खाट मुड़े, ये गांव की पहचान होती है और इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम लोगों से जानेंगे कि गांव के मुद्दे क्या हैं। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है गाजियाबाद, क्योंकि यहां लगातार 3 बार से हम बात करें तो बीजेपी जीतती आ रही है। और हाई प्रोफाइल मैं इसलिए कह रहा हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2009 में यहां से चुनाव जीते, फिर उसके बाद वीके सिंह लगातार 2 बार से सांसद बन रहे। लेकिन गांव की जनता के मुद्दे समस्याएं क्या हैं, इस पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। पहले बाबू जी से बात कर लेते हैं। बाबू जी चौपाल लगी हुई और चौपाल पर देखिये चुनाव की चर्चा होती होगी। बाबू जी अब तो चुनाव आ गए तो मैं भी आ गया, ठीक किया? अच्छा किया। अच्छा अभी तक कोई आया चैनल वाले? अभी नहीं आया, मैं सबसे पहले पहुंचता हूं, ये मेरी खासियत है। अब तो चर्चाएं हो रही होंगी चुनाव की या नहीं? अभी ये तो चलती रहती हैं जी। इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं गांव के, अगर रईसपुर की मुद्दों की बात करें आपके गांव के मुद्दे क्या हैं इस बार? मेरे से भी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, वे मेरे से अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि जो गाँव में हुआ है उसके बारे में उनकी पहचान मेरे से भी ज्यादा बताने वाले मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो मेरे से ज्यादा प्रतिष्ठित हैं, मैं उन्हीं को सम्मान दूंगा, वो अपनी पहल करें। चलिए मैं बात करूंगा बुजुर्गों से भी, तमाम बुजुर्ग हैं। बाबूजी आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे चुनाव बदलते देखी हैं सरकारें, इस बार का माहौल क्या लग रहा है? भैया माहौल यू लग रहा कि ऐसा राजा जो हो ना आज तक ना आया कोई भी, जैसा राजा हमारा यू मोदी जी आया है। अच्छा, ये झूठ बोलने का काम तो इसका है, कोई भी काम हो उसे 10 साल और पीछे तक कह देगा कि जब तक हम उस काम में कर देंगे। और जो यू रोजगार का हिल्ला चला आ ना, अब या मैं यू भर्ती वर्ती करी है इसने, इस गवर्नमेंट ने, वहां में भी जो है ये सब धंधा कर दिया, पेपर लीक होगा, फुलानी चीज हो गई, वे सब न्यू रह गए। यानी बाबूजी नाराज हैं आप लोग? नाराज है जी कतई। अच्छा हाँ, क्यों? जब झूठ बोलने का, जहाँ झूठ बोला जा रहा है वहां फिर आगे कुछ रहे ही ना। चल, लोग नाराज हैं क्या? नाराज हैं, जब ही तो आपसे बोल रहे हैं। हाँ। नाराज ना होते तो क्यों बोलते? हम मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे 10 साल हो गए। हाँ। और हमारी उम्र आज, मेरा जन्म जो है 74 का है, 74 में हमारी जमीनें चली गई, आज तक मुआवजा हमें नहीं मिल पा रहा है। हम धरना 8 साल से 10 साल से धरना चला रहे हैं रईसपुर गांव में। वीके सिंह से भी कई बार इसमें वार्ता हुई, संजीव बालियान के पास भी गांव का प्रतिनिधि मंडल गया, लेकिन आज तक हमें मुआवजा नहीं मिला। दूसरा ये है, मुआवजे के चक्कर में हमारे जो युवा है वो बेरोजगार हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे, एजुकेशन सिस्टम नहीं हो पा रहा है हमारा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 400 पार जाएंगे हम इस बार। हाँ जाएंगे भाई, मोदी जी बोल रहे हैं ना, तो वो 400 पार चले जाएंगे। जब भी तो सिंधु बॉर्डर पे आप देख रहे हो किसानों की क्या हालत कर रखी है, गोली लाठियां चल रही हैं। तो ये जीत जीत, चलिए आपकी नाराजगी है, आपके मुद्दे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि जीत, ये आम जनता के मुद्दे, मेरे खाली मुद्दे नहीं है इसमें। नहीं तो किसान को
जीत जाएगी फिर बीजेपी है, हारेगी। देखो माहौल जो बना रखा है, देखो 5-7 चैनल है, मैं तो उन्हें बंद करके बैठ जाता हूँ। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि आम जनता ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मोदी जी का सिक्का चल रहा, लेकिन इतनी मेहनत इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है ये हमें भी पता है। उनके साथ में इतने संगठन काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कांग्रेस इंडिया जो है इतने संगठन ले रही है, अरे अपने भी तो बता दो कितने संगठन है आपके साथ में। देखिए नाराजगी है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि चौपाल पर सबके राय जानना जरूरी है। नाराजगी है या फिर से मोदी सरकार? नाराजगी तो पूरे देश में है, क्योंकि ये झूठ की सरकार है, ये झूठे वादे करते हैं सारे। और आप डेली रोज न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, कहीं भी चले जाओ हर कोई झूठे के नाम से ही जानता है। नहीं आ रहे फिर आना ना आना तो जनता का काम है, जनता का काम। आप भी तो जनता ही हो, आप भी तो जनता ही हो। नहीं मेरी तरफ से तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा आपको बाबू जी? नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लग रहा कि नहीं आएगी सरकार? सरकार तो पता नहीं क्या होगा भविष्य है। हाँ। कुछ नहीं पता। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने बताया कि भाई कांग्रेस जीत रही है और वो सफाया हो गया, तो भविष्य का किसी क्या पता है, यही होगा। लेकिन वो पता नहीं, लेकिन जो है जो समस्या की बात है, सरकार से जो अपेक्षा होती है वो हमारी अपेक्षा पे जो है कम से कम हमारे गांव की कम से कम नहीं उतरी, क्योंकि हमारा गांव जो है 1962 में अधिग्रहण में आ गया और 48 पैसे गज यानी कि 480 रुपये बीघा का मुआवजा मिला। हम तभी से ही जो है आंदोलित हैं, और 1962 में 52 गांवों की जमीन एक्वायर हुई थी, यहाँ नोटिफिकेशन हुआ जाता, आंदोलन करा, 3 बार दिल्ली गए, 31 दिन जो है वोट क्लब पे रहे, और वहाँ मैं खुद उसमें शामिल था, 6 साल मेरी उम्र थी तब। एक आदमी आता था, उसके साथ पुलिस वाले होते थे, टॉफी बटती थी, इतना याद है कि अब पता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे। और उनका जो है शुरू के 5-7 दिन छोड़ करके लगातार आखिर के दिन तक वो रोजाना किसानों के बीच आए। लेकिन बाबूजी अब ये तो कह रहे हैं हमने गुंडागर्दी खत्म की, योगी सरकार कह रही है हमने गुंडागर्दी खत्म की, किसानों को किश्त मिल रही है, किसानों को बहुत सारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, बिजली मिल रही है, तो ये चीजें नहीं सुधरी क्या? नहीं, गुंडागर्दी कहाँ, कागजों में सब सिमट गई है। तो, मतलब सुधरी नहीं है यहाँ हमारे गाजियाबाद की हम बात करें, रोजाना जो हम पेपर पढ़ते हैं तो जो है छनौती और उठाईगिरी ये ज्यादा है। सांसद से खुश है ना खुश? सांसद जो है अपना काम करता है, खुश या ना खुश? अरे सुन तो लो भाई। हाँ। खुश तो मैं जो बताऊंगा या ना कुछ बताऊंगा, जो मेरी बात पूरी हो जाएगी। हम अपने गांव के बारे में कम से कम 8 दफे उनके पास जा लिए, और उन्होंने हमें माननीय योगी जी से मिलवाया, और माननीय जो है जो शहरी आवास मंत्री थे उनसे मिलवाया, लेकिन रिजल्ट जीरो। चलिए रिजल्ट जीरो। भैया चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार? देखो जीतेंगे तो जनरल साहब ही हैं। जनरल साहब? हाँ जी। यहाँ है शहरीकरण, और शहरी हमारे किसान यहाँ ना के बराबर हैं, तो जीत तो पहले हुए 10 लाख से जीते, और जनरल साहब का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने अभी 300 करोड़ तो 1 मिनट में ले आए, हमारे यहाँ अरबों रुपए की जमीन का खेल का स्टेडियम दे दिया जनरल साहब ने। तो ऐसे सांसद ईमानदार छवि, अगर जनरल साहब का तो नाम ही बहुत है गाजियाबाद में। बाबू जी सही कह रहे कि जनरल साहब ने? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो फिर से आ रही है फिर बीजेपी क्या? पक्का पक्का। चलिए बहुत देर मुद्दे भी हैं, और देखिए यहाँ लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, लौट जाएगी। भैया जुमलेबाज सरकार है। अच्छा। और इसको रंग बदलने की आदत पड़ चुकी है। हाँ। बातें करती है बड़ी बड़ी, जब चुनावी दौर आता है तभी क्यों सरकार के प्रचार शुरू हो जाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा ले आई, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आई, तो कह रहे कि राम मंदिर के बाद तो कुछ माहौल बन गया। ये कह रहे किसान सबसे बड़ा देश का कृषि प्रधान देश है, ठीक है, किसान सबसे बड़ा है, किसान के ऊपर सब देश चल रहा है, किसान अगर अपना काम का बंद कर देगा सब कुछ खत्म हो जाएगा मामला। क्यों एमएसपी का मुद्दा क्यों नहीं ला रही सरकार? हम सरकार का विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सरकार की जुमलेबाजी का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने वादे किया 13 महीने आंदोलन चलाया, उसके बाद अपने वादों से मुकर गई, क्यों नहीं देती एमएसपी का मुद्दा, क्यों नहीं करती? चलिए एक एक बड़ा बात, राम मंदिर अब की बड़ा इशू है चुनाव में भी, और कहते हैं कि राम मंदिर के बाद माहौल बना बना है, माहौल बना है, लेकिन कृषि प्रधान देश में किसान बहुत दुखहाल है, बेहाल है। एमएसपी मिलनी चाहिए, अगर किसान को एमएसपी मिलती है तो बीजेपी सरकार आ रही है, और वीके सिंह तो यहाँ से जीतने हैं कम से कम 8 लाख वोटों से, 10 बजे जीत जाएंगे। वीके सिंह ने काम कराया, हमारे गांव में एक बड़ा स्टेडियम दिया है, शायद गाजियाबाद का सबसे बड़ा स्टेडियम है हमारे गांव में, हरीशपुर में, वीके सिंह ने काम कराया,
चाहे रैपिड मेट्रो ले लो, चाहे खेल स्टेडियम ले लो, हर उस पे काम कराया। अब ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार का आपको लग रहा है कि योगी फैक्टर भी इस चुनाव में काम करे? बिल्कुल, योगी फैक्टर है। आज उत्तर प्रदेश चाह रहा है कि आने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वो योगी जी हैं हमारे, और योगी जी को देख के यूपी एकजुट होकर कम से कम 70 प्लस सीट होंगी। जी जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जो ये स्टेडियम की बात कर रहे हैं, हमारे सारे गांव की जमीन चली गई। हाँ। उसके लिए आपको फिर स्टेडियम नहीं चाहिए था? नहीं, हमें चाहिए था। हमें तो अंधों के लिए ट्रैक भी चाहिएगा, आदर्श और भी सामूहिक व्यवस्था हमें चाहिए, जो डेवलपमेंट 50% डेवलपमेंट करके देना हमारे लिए, हमारे गाँव को डेवलप करके देना। वो आज कह रहे ये सही बात बोली है पार्षद जी ने कि ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। राजा की तरह काम कर रहे हैं मोदी जी। अगर वो प्रजा की तरह काम करते और एक जनता की प्रॉब्लम समझते। आज बताओ, मैं जवाब लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी से। यूरिया का रेट वहीं पे, यूरिया कम कर दिया, बिस्किट के दो बिस्किट कम कर दिया, लेकिन रेट वहीं पे। 10 साल से टंकी बनी खड़ी है, आज तक गांव में सप्लाई नहीं हुई। चले, मैं जवाब, उनका सवाल सुनिए। देखो, उनका सवाल ये है कि आम जनता को क्या दिया? ठीक है, ये आम जनता को घर दे दिया, मुफ्त में राशन दे दिया, और उसको अगर मान लो आयुष्मान कार्ड। सुनो, अभी देखो, जब आज आयुष्मान कार्ड वो भी 5 लाख के लिए दिया है, और वो भी 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको फिर 5 लाख रुपए का मिल रहा है, तो मान लो आपको इलाज करने के लिए दे दिया, उसके बाद उसको रोजगार करने के लिए मुद्रा योजना चला दी। मैं और भी लोगों से, बाबूजी लग रहा है कि बीजेपी 400 पार हो जाएगा, मतलब काम किया बन रही है मोदी जी के। देखेंगे जब जितने माए बताए। बाबूजी आपको क्या लग रहा है, बाबा मोदी जी की हैट्रिक लग जाएगी? लग जाएगी ऐसा जी, हम बताएंगे। हमारे गांव में शिक्षा सबसे पहली है। हमारे गांव में चौधरी चरण सिंह ने नीम धरी 5वीं स्कूल की। हमारे गांव में राजनाथ आ गया, बीके सिंह आ गया, लड़किन का स्कूल 12वीं का आज भी नहीं बना। माओ जी का बारे में किसान हमारे 1962 से लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं 25 बीघा दे दिया मोदी ने, और ये 5 लाख दे दिया। हमारे गांव में कितनी लड़की ने 5 लाख मिले बताओ? ये तो डिमांड रखी आप लोगों ने, डिमांड हम अब रख रहे हैं, पहले से रख रहे हैं। राजनाथ से कही कोई जवाब नहीं, ये झूठी सरकार है, झूठी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना गया मकान, देखो उनको पढ़िए, जिनको रईसपुर में मकान बने और जिनको मिले हैं ना, उनसे पूछिए आप कि उनके घर में कैसे गैस सिलेंडर, कैसे चूल्हा चल रहा है, और उनको कैसे मुफ्त में राशन मिल रहे हैं। और जब बीमारी होती है ना, सुनो भैया एक बात, नहीं मैं एक बात बताऊं, मैं एक किसान आदमी हूं। हमारी लड़की बालेश्वर का स्कूल बना, और हमारे गांव में चौधरी साहब ने खूब जोर लगाया, आज तक भी 12वीं स्कूल नहीं बना। जो चाहता हो बीजेपी बनवा कर दिखाओ। देखिए, हम चौपाल पर है और चौपाल पर चर्चा चल रही है, और इलेक्शन की राम राम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं और माहौल क्या बन रहा है। मैं जल्दी से उधर युवा है, युवाओं से पूछ लेता हूँ, भैया क्या लग रहा है, 400 पार जाएगी बीजेपी? नहीं जी, हमारी ओर से नहीं जाएगी। जो किसानों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है? नहीं जी, जो किसानों का नहीं है वो किसी का। भैया नहीं लगे? बाबूजी आपको क्या लग रहा है, नहीं जाएगी? हैट्रिक बनेगी मोदी जी? हैट्रिक बनेगी जी, पक्का एकदम। ये कह रहे हैं पड़ोस में इनको चूल्हा दिया ना सर जी के, एक यही है पूरे गांव के अंदर जिनको मिला है। हैट्रिक बनेगी, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी आ जाएगी? वो बीजेपी आएगी। हमारे गांव में कम से कम 50 मकान बनाए बीजेपी ने। कह रहे हैं कि मकान मिले ही ना, है किसने? हमने तो बनाया ना, पर हमारे चाचा का बनाया, हमारे मोहल्ले में 5 मकान बने हुए हैं, गली में बने हैं 5 मकान। बाबू जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी लौट आएगी, ये तो एक वक्त बताएगा, जैसे भी लौटना ना लौटना। लेकिन जो मुद्दा है, एक तो किसानों का है, दूसरे हमारे एक मंदिर, वो टंकी बनी हुई है पानी की, 10 साल हो गया, 11 साल, आज तक उसका कोई समाधान नहीं है। टैक्स लगने को तैयार हो रहा है, बस टैक्स चाहिए, काहे का टैक्स दे बताओ आप? ये मैं आ रहा हूँ बाबूजी। बाबूजी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि चर्चा लग रहा है कि 400 पार जाएगी बीजेपी या नहीं? देखिए यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया, मैं आ रहा हूँ बाबूजी, सबके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं और भी लोगों को मौका दूंगा, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ, कुछ पॉजिटिव बात कह रहे हैं कि देखिए 400 पार है, कुछ कह रहे हैं यही गांव की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों से। अब एक आखिरी पड़ाव पर है कि राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा बाबूजी, राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहेगा चुनाव में? राम मंदिर आपको लग रहा है कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा? लोगों का अपने आप ही मन बना हुआ है, ये तो प्लस में है। नहीं तो ये जाट बाहुल है, जाट किसके साथ है? देखिए, जो चौधरी साहब को
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया है तो उससे कितना बड़ा सम्मान मिला है जाटों को। तो अब हटके कहाँ जाएगा जाट? ये एक बड़ी बात है। मैं आप जब नहीं सर देखिए जाटों को अभी चौधरी देखिए अभी चरण सिंह जी को मिला, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, उसका कोई असर नहीं? असर कैसे ना है, भारत के रत्न है यार चौधरी चरण सिंह को, हम उससे करते आ रहे हैं। तो आपकी मांग पूरी बिल्कुल खुशी हुई है, खूब खुशी हुई है हमें बीजेपी के साथ बिल्कुल पहले से ही है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी हम खुश हैं भारत। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो राम मंदिर का 500 साल पुराना जो मुद्दा सुलझाया है मोदी जी ने, उसके लिए मैं मोदी जी की जय बोलता हूँ। लेकिन राम उनके कैसे हो गए? भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह को, आप खुश नहीं है क्या? किसान खुश नहीं है ना? किसान खुश है। आप जो ये कह रहे हो राम उनके हो गए, अरे जब हम मैंने नहीं कहा, मैं तो नहीं तो सैया पे जब हम जाते हैं तो राम राम सत कहते हैं और आज से नहीं। वो तो इसलिए कह रहे ना, नहीं आप बताइए ना, विपक्ष गया नहीं? विपक्ष तो गया ही नहीं ना सर, विपक्ष क्यों नहीं? आपको विपक्ष नहीं गया वहाँ पे। सुनो आप राम राम कब से कर रहे हैं? क्या पैदा हो कि आज से राम राम करो? कब से राम राम कर रहे हैं हम लोग? आपने 20% जो हाईवे बना दिए हैं, 80% जो ग्रामीण रोड है वो क्यों नहीं बनाया आपने? मैं एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल सर, भारत रत्न मिला आज तो किसी और सरकार ने तो नहीं दिया ना सर? नहीं आपने दे दिया तो आपके हम पूछ रहे हैं। एक चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, ये आपको नहीं लगता है कि बड़ा सम्मान है किसानों को? देखो सम्मान जो है ना, सम्मान तो यार रतन सु पूरा होता ना है उसका, लेकिन किसी और सरकार ने नहीं देखा ना? जो जिस काम के काबिल है उसे तो वो हो कही रहे हुए है। जो चौधरी साहब ने काम करे है और यू किसान एलिमेंट जो है, किसान और मजदूर चौधरी साहब ने ही चमकाए है और उसने ही अपनी गरीबी की जो हो ना वो भी अपनी हिस्ट्री लिखी है। गरीबी आदमी गरीबी है जाने है, यू ना है मालदार आदमी का एक बड़ा भाई साहब एक भारत रत्न सम्मान मिला है। चौहान साहब तो मैं एक असर है, हर घर में मूर्ति लग रही है। नहीं उसका मोदी जी ने धन्यवाद करते हैं, चौहान साहब हमारे दिलों में है, हर घर में लग रही है। लेकिन आज भी मुद्दा MSP है और जितने दिन ये आंदोलन चल रहा है उतनी सीट कम हो रही है बीजेपी की, सबसे बड़ा मुद्दा MSP है। नहीं अब किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनको सम्मान मिला तो किसान किसी और सरकार ने नहीं दिया, चाहे आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे आप कांग्रेस है, तो एक सम्मान एक आप अगर वो दे रही है वो असर नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, एक जाटी कौम सुनो भैया सुनो एक जाटी कौम ऐसी थी जो मोदी जी काबू मना रही, वो लॉलीपॉप दे दिया है, चूसते रहो इसे। अरे क्या एहसान कर दिया उन्होंने? आप भारत रत्न को लॉलीपॉप थोड़ा? नहीं भारत रत्न सुनो, भारत रत्न नहीं, इन्होंने जैन जी को मिला के ये लॉलीपॉप दिया है किसानों के लिए, क्योंकि किसान ही काबू में नहीं आ रहा था। अब किसान को चुसाया जा रहा है कि आप धीरे धीरे आते रहो, कोई नहीं जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, भारत रत्न एक बड़ा इश्यू नहीं रहेगा क्या? क्या किसानों के लिए ठीक नहीं किया कि उनको रत्न देकर ये चुनाव में असर नहीं? ये बताओ आपसे पहले आज तक किसी सरकार ने दिया और ये किसान को कह रहे हैं, क्या ये कम बड़ा काम है? आपसे पहले जो किसान जो लाइट आ रही थी बिजली आ रही थी, पहले तो भरे में ट्वेल में चला के भरे में पानी रह जाता था, खेत तक पहुंचता ना था, किसान खेतों में खड़े रहते थे। अब ये VIP हो गए, अपना बैठे रहते, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, पानी भर चलाया और सो गए, रात में करता ना कोई दिन में चलाए 24 घंटे लाइट, पहले लाइट आती नहीं थी। चले मैं चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हूँ, मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ एक रिएक्शन, ठीक है? बाबूजी कितने है? इस बार क्या लग रहा है बीजेपी आएगी? जाएगी मेजोरिटी में? आएगी बाबूजी, आएगी या जाएगी? 250 रुपए पानी घंटा हमारे यहाँ, एक घंटा जो है 250 रुपए मिलता पानी गाँव में। अब मैं आखिरी पड़ा पर हूँ, आएगी या जाएगी? नहीं आएगी। आएगी या जाएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी, जाएगी। जा रही है बाबूजी जा रही है सरकार? चौधरी चरण सिंह जी को जब सम्मान पूरा रहेगा, जब आप MSP दोगे, जब उन्हें आना पड़ेगा, सरकार बढ़ेगी, 400+ जाएंगे। ये 400+ का नारा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पहले भी। ये समाजवादी का लग रही है ना, ये जो बैरिकेड लगा इनमें रुपया लग रहा है, वहाँ किसान ना जा रहा है, ये इन्हें मारने के लिए किसानों को सम्मान भी दे रहे हो और किसानों को हाँ, आप पार्टी फंडिंग कर रही है, वे लोग वहां से आए हुए हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान पंजाब। मैं बैठा हूँ, मैं भी तो, मुझे भी तो MSP चाहिए क्या? वो पंजाब वालों को MSP चाहिए क्या? अरे देश को MSP ये चाहिए। जो है ये हिंदुस्तान का जो किसान है कहाँ का है? ये जो डॉन आए हैं, डॉन वहाँ गोले बरसा रहे हैं, वो पाकिस्तान की
की नहीं आया, चीन की नहीं आया, हिंदुस्तान के मारने वाले। हरियाणा मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार कितना जुल्म कर रही है, गोली मार दिया सीधी किसानों के अंदर। देखो किसान पे किस पे गोली नहीं चली, ये बेकार की बात है, सब झूठी बात है। मैं एक जल्दी से पूछूं, आएगी या जाएगी? देखो अगर किसानों का मसला सच्चाई तो यूं है, अगर बीजेपी ने जल्दी नहीं सुलझाया तो ये 40 सीटें जिस पर किसान प्रभावित करते हैं, अगर ये मसला जल्दी सुलझ गया तो आएगी, नहीं तो सरकार चली जाएगी। आएगी या जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल बात सही है, अगर किसानों का मसला इन्होंने सुलझा लिया तो आएगी। और जैसे चौधरी जयंत जी शामिल हो गए तो जाट भी मिल गए, और जो है सीट तो खैर बढ़ेंगी, बढ़ेंगी सीटें, बढ़ेंगी सीट, बढ़ेंगी। किसानों का मसला सुलझाना पड़ेगा, चंद लोगों का है, चंद लोगों का है, लाभ बांटते हैं चंद लोगों, क्या चंद लोगों का आपको लग रहा है? हाँ चंद लोगों का है। चलिए हमने देखिए रहीशपुर गांव में चर्चा की, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई कह रहा है कि किसानों का जो मुद्दा है वो बड़ा इशू रहेगा, कोई कह रहा है कि देखिए गांव के मुद्दे हैं, कोई कह रहा है वीके सिंह ने काम किया, कोई कह रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, लेकिन देखना होगा। अब चुनाव आएंगे तो चुनाव में पता चल जाएगा कि तस्वीर साफ क्या होगी। तो ये चुनावी चौपाल हमने गाँव से, रहीशपुर गाँव से की, जो गाजियाबाद इलाके में पड़ता है। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं, फिर अगले इलाके में मुलाकात होगी और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।